शिलोंग जो है ये 1972 तक असम की कैपिटल थी। हल्दी सिर्फ पीले रंग की नहीं होती, ब्लू कलर की भी होती है। आज है day 4 नॉर्थ ईस्ट ट्रिप का और अभी टाइम हो रहा है 6:30 के करीब करीब। मैं एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया हूँ, मुझे आज निकलना है शिलोंग के लिए। शिलोंग के लिए जो शेयर्ड कैब्स हैं वो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी सुबह ले लेनी चाहिए ताकि आप ट्रैफिक में ना फंसो, क्योंकि शिलोंग में बहुत लोग जाते हैं। तो हर कोई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग के लिए जो निकलता है वो सुबह सुबह जल्दी निकल जाता है, जिनको पता है। तो शेयर्ड कैब की तरफ बढ़ता हूँ अभी। यहाँ से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो है उसी के पास से मिल जाती है। मैंने अपने बैग पैक कर लिए, ये देखो और ये दूसरा, और अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। तो पहले जल्दी से निकलते हैं और पकड़ते हैं शेयर्ड कैब और उसके बाद करता हूँ मैं आगे व्लॉग। लेट्स गो। तो अब यहाँ पे सारी की सारी टैक्सीज लगी हुई हैं, ये देखो। ये टैक्सी यूनियन है, यहाँ से भी आप ले सकते हो, लेकिन चौक है। कल मैंने पता किया था कि इस चौक के पास से जो मिलती है वो सस्ती वाली मिल जाती है। एक 300 की है और एक 500 की है। चल के डिफरेंस चेक करते हैं कि 300-500 में क्या डिफरेंस है। आ जाओ, पल्टन बाजार पुलिस स्टेशन है इसी के सामने। देखो ये, देखो यार ये यहाँ पे ये जो खड़ी हैं, तो ये सामने जहाँ पे टैक्सीज नज़र आ रही हैं यही हैं शिलोंग जाने वाली। ये देखो जो सुमो है इसका किराया होगा 300 रुपये, और जो स्विफ्ट डिज़ायर टाइप की गाड़ी हैं उनका किराया होता है 500 रुपये। ऑलमोस्ट 98-99 किलोमीटर है, 2.5 घंटे के अंदर अंदर ये सफ़र हो जाना चाहिए अगर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं हुआ तो। तो मुझे मिली है ये सुमो, शेड में है ये। यहाँ पे मेरे ख्याल से 5-6 लोग इसके अंदर ज़्यादा बैठते हैं, 7 लोग इसमें टोटल बैठेंगे। तो 7 लोगों को लेके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लगा था सुमो में भाई बैठाएगा 7 लोगों को, लेकिन 7 की जगह भाई ने बैठा लिए 10, और 10 पे ही बस नहीं की भाई। अभी सोच रहा था कि मैं और लोगों को बैठा लूं, और मैं ये सोच रहा था आखिर बैठाएगा कहाँ पे भाई। तो गुवाहाटी से शिलोंग आने के 3 तरीके, बस, ट्रेन और प्लेन। आपको जो समझ आया वो लेके यहाँ तक आ सकते हो, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो 3,500 रुपये लगा के पर्सनल कैब करा के भी आ सकते हो। तो शिलोंग जाते हुए यहाँ रास्ते में ढाबे पर रुकी है गाड़ी, अगर यहाँ पर कुछ खाना है या फिर टॉयलेट वगैरह जाने के लिए। ये देखो मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ, देखो कितना अमेजिंग व्यू है। बिल्कुल गुवाहाटी से आने के बाद एकदम डिफरेंट फीलिंग आ रही है, क्योंकि गुवाहाटी में पूरी सिटी टाइप की थी और बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड टाइप का लग रहा था, लेकिन ये देखो क्या अमेजिंग नज़र आ रहा है। तो गुवाहाटी से एक ही दम डिफरेंट फीलिंग है यहाँ पर, बिल्कुल ग्रीनरी है पूरी। गुवाहाटी के मुकाबले टेम्परेचर भी थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन अभी शिलोंग पहुँचने में मैक्सिमम 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटे बाद ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे। अभी तक कुछ बुक भी नहीं किया है होटल वगैरह, अब जाके ही देखूंगा मैं कि क्या सीन है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का शिमला जैसा लग रहा है। ये रास्ता बिल्कुल वैसा ही है। शिलोंग सिर्फ मेघालय की कैपिटल नहीं है, ये है द म्यूजिक कैपिटल ऑफ इंडिया। काफी सारे प्रोमिनेंट म्यूजिशियंस हैं जो वो यहाँ से निकले हैं, और इस जगह को अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स भी कहते हैं। ये जो आप रोड के साथ साथ देख रहे हो लेक जैसी, ये है उमियम लेक। काफी सारी जगह है शिलोंग में घूमने की, तो आप चाहो तो उमियम लेक आ सकते हो घूमने के लिए। और उमियम लेक के साथ साथ वार्ड्स लेक है, काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन है घूमने के लिए। और इसके साथ साथ वाटरफॉल भी हैं यहाँ पे, एलिफेंट वाटरफॉल है जो आप देख सकते हो। और चेरी ब्लॉसम का जो फेस्टिवल होता है नवंबर में यहाँ पे होता है, बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन ये चीज़ जो है ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती, क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो जाता है। इसीलिए मेक श्योर आप जल्दी निकलें गुवाहाटी से, ताकि आप जल्दी पहुँच जाएँ बिना ट्रैफिक के। तो फाइनली पहुँच गया मैं शिलोंग, अब यहाँ पर ढूँढूँगा मैं रूम और रुकने का कोई जुगाड़ देखूंगा। लेकिन आपको बताता हूँ, शिलोंग जो है ये 1972 तक असम की कैपिटल थी, लेकिन 1972 के बाद जब मेघालय अलग हुआ तो उस टाइम पे इसको बनाया गया कैपिटल मेघालय की। पहले मुझे भी ये नहीं पता था कि ये मेघालय की कैपिटल है, लेकिन अभी आने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता लगती रहती हैं। ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इसको कहते थे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। तो ये इतनी ज़्यादा सुंदर है कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं इसको। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, ये देखो अभी भी ट्रैफिक है। पहुँच गया था मैं 3 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन उसके बाद 1 घंटा तो खाली ट्रैफिक में शिलोंग में ही लग गया।
बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। अभी यहाँ पे मैं कुछ रुकने का जुगाड़ देखता हूँ और उसके बाद करता हूँ ब्लॉग। अच्छा, काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे ये जगह मिली आज रात बिताने के लिए शिलोंग में। तो एक अमेजिंग फैक्ट जो मुझे पता लगा वो ये कि हल्दी सिर्फ पीले रंग की नहीं होती, ब्लू कलर की भी होती है। और आउट ऑफ द ब्लू मैं निकल पड़ा ज़बरदस्त जगह की तरफ जो कि है ISBT शिलोंग। ISBT शिलोंग बाकी जगहों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और आपको अभी पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बस स्टैंड है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बस टर्मिनल जो है ISBT है जो शिलोंग का, वो दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा सुंदर जगह पे है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, मैंने आज तक कभी ऐसा ISBT नहीं देखा जहाँ पे बिल्कुल लोग ना हो। ये देखो पहले कितना सुंदर है, ये देखो। ये ISBT है बताओ, बस टर्मिनल। ये देखो आपको मैं लिटरली दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बसें लगी हुई हैं तूरा की, ये देखो पूरा खाली पड़ा है एकदम। तो तूरा के लिए यहाँ से बसेस मिल जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा सुनसान सा बस स्टेशन है ये। और मैंने आज तक, सच बताऊँ तो ऑनेस्टली मैंने आज तक इतना सुनसान बस स्टेशन देखा नहीं। क्या ही अमेजिंग लोकेशन पे है ये देखो। ISBT अगर ऐसी लोकेशन पे हो तो और क्या ही चाहिए, बस स्टैंड ऐसी लोकेशन पे बताओ। तो ISBT शिलोंग के बाद मैं आ गया गोल्फ कोर्स की तरफ और आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है वो भी शिलोंग में ही है। कई बार हम लोग सुनते हैं कि चाइना के साथ बॉर्डर पे कोई इशू हुआ तो सबसे पहले जो एक्ट करता है वो है ईस्टर्न कमांड। ऑनेस्टली मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था शिलोंग में, मैं सिर्फ शिलोंग में रुक रहा हूँ क्योंकि मैं गुवाहाटी से आते हुए काफी थक गया था और साथ में मुझे प्लानिंग करनी थी चेरापूंजी जाने की। तो चेरापूंजी जो है उसमें इनक्रेडिबल वाटरफॉल्स और बहुत अमेजिंग जगह, अगले व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी। जय हिंद फ्रॉम शिलोंग।